कैसे हो दोस्तों, क्या हुआ मेरे भाई? आपका चेहरा पहले ऐसा चमकदार नहीं दिखता। आपके चेहरे पर अब वैसी रौनक नहीं है जो कभी बचपन में हुआ करती थी, जिससे आप अपनी फैमिली का लोगों का प्यार मिलता था। आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डल दिखता है। आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ऑयल है। आपको बहुत ज़्यादा पिंपल निकलते हैं चेहरे पर। आपकी जो आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं। आपका फेस काला पड़ गया है, सांवला पड़ गया है। आपके होंठ भी काले पड़ रहे हैं। और कई बार तो लड़कों का कहना है कि हमने बहुत सारे मार्केट में आए हुए क्रीम और फेस वॉश भी यूज़ किए, तब भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। उन चीज़ों ने हमें सिर्फ वक्ती तौर से काम किया, वक्ती तौर से हमारे चेहरे पर उन चीज़ों का असर रहा, पर उसके बाद हमारा चेहरा उसी तरह से डल पड़ गया जैसा था। मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ भी कर लो। महंगे से महंगे क्रीम लगा ली, महंगे से महंगे फेस वॉश लगा लिए, पर आप स्मार्ट नहीं बन पा रहे, आप अट्रैक्टिव नहीं बन पा रहे। तो इसकी वजह क्या है मेरे भाई? ध्यान से सुनना, आज आपको वजह भी बताऊंगा और आपको सोल्यूशन देके जाऊंगा कि कैसे आप एक स्मार्ट और हैंडसम इंसान दिखोगे, जिसकी तरफ लोग खींचे चले आएंगे, जिसका चेहरा चमकदार होगा, जो बहुत सारा सुंदर और खूबसूरत दिखेगा। क्योंकि मेरे भाई, हमारी कुछ गलत आदतें हैं जिसकी वजह से हम लड़कों का यह हाल हो गया है। उसमें जो सबसे पहली आदत है वो है रात में देर से सोना। जितना ज़रा आप रात में देर से सोते हो, फ़ोन देखते हो, उतना ज़रा आपके चेहरे पर असर पड़ता है। आपकी आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं। सुबह देर से उठना, आप सुबह जल्दी नहीं उठते, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। ज़्यादा फ़ोन वीडियोज़ देखना, आप बहुत ज़्यादा फ़ोन वीडियोज़ देखते हो, देर रात तक देखते हो, जिससे आपके चेहरे पर डलनेस आती है और आपके दिमाग पर भी असर पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा वीर्य नाश करते हो। ये सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल आजकल के लड़कों का सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीर्य नाश करते हैं, हंसते महसूस करते हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान है आपको, जिससे आप एक खोखले इंसान बन चुके हो, अंदर से खोखले हो चुके हो। आप स्मार्ट नहीं दिखते और आप अच्छा खाना नहीं खाते, पौष्टिक खाना नहीं खाते। आप ज़्यादा बाहर का खाना खाते हो, ज़्यादा तला हुआ खाते हो, ज़्यादा ऑयली खाना खाते हो, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर ऑयल हो गया है, आपकी स्किन भी ऑयली हो गई है, आपके चेहरे पर पिंपल्स निकल रहे हैं। ये बाहर का खाना भी मेरे भाई आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। और अगर मैं कहूँ आपसे, आप सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करो, सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन, वही आपको सब कुछ देगा, वही आपको एक चेहरा चमकदार देगा और एक स्मार्ट इंसान भी बनाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मेरे भाई, 2 साल से ज़्यादा ब्रह्मचर्य पालन हो गया। मुझे पता है क्या मिला है मुझे ब्रह्मचर्य से। बहुत कुछ मिला है, बहुत फ़ायदे मिले हैं। चेहरा इतना ज़्यादा चमकदार हुआ है जितना आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा इंसान बन गया हूँ मैं। आपको ये सब गलत आदतें छोड़नी होगी और अच्छी आदतों को अपनाना होगा, ब्रह्मचर्य को अपनाना होगा। रात में वक्त से सोना होगा, सुबह 4 बजे उठना होगा, योग करना है, मेडिटेशन भी करना होगा लगातार, वो भी रोज़। और आपको पौष्टिक खाना खाना होगा, सात्विक भोजन करना होगा। आपको सही से सोना होगा, अपनी दिनचर्या संभालनी होगी और सच्चे मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। यही आपकी ज़िंदगी बनाएगा, यही आपको एक कामयाब इंसान भी बनाएगा और आप हमेशा के लिए एक स्मार्ट इंसान बन जाओगे। मेरे पास जो आजकल सोल्यूशन निकल रहे हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारे चेहरे के लिए, यह सिर्फ वक्ती तौर से, तो क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ की जाए जो हमेशा के लिए हमारे अंदर रहे, हम हमेशा के लिए जवान दिखें, कभी बुढ़े भी ना हो। बूढ़ा तो होना है मेरे भाई, पर बुढ़ापे में भी ऐसी ताकत रहे जो हमने कभी सोची ना हो, वो सिर्फ ब्रह्मचर्य से आएगी। तो करो मेरे भाई ब्रह्मचर्य का पालन, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को और शेयर ज़रूर कर देना मेरे भाई इस वीडियो को। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या मुझसे पैसा भी बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मेरे भाई मुझे मैसेज कर देना, फॉलो कर देना, वहाँ आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटे का आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी अपलोड करूँ वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो भाई मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।